हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद बनर्जी। आज मैं आपके साथ बहुत अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ, स्किन केयर पे। बहुत लोग पूछ रहे हैं स्किन केयर पे सबसे पहले क्या करना चाहिए। स्किन केयर पे स्टेप बाय स्टेप एक गाइड बता दीजिए, गाइड कर दीजिए कि इस तरह से स्किन केयर हर कोई कर सके। एक सिंपल स्किन केयर हम आपको बता देते हैं कि जिससे करने से आपकी फुल स्किन केयर भी हो जाएगी और सर्दी हो या गर्मी हो, आप अपने स्किन को फ्रेश और स्मूथ और बिल्कुल वेलवेट टेक्सचर बना सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत अपने डेली स्किन केयर रूटीन में देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, सबसे पहले स्किन केयर का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको फेस को क्लीन करना होता है, यानी कि क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए अच्छा फेस वॉश चाहिए। अगर डबल क्लींजिंग करनी है तो बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए आप सबसे पहले अपने फेस से मेकअप हटा लीजिए, यानी कि मेकअप रिमूवर, माइसलर वाटर या फिर क्लींजिंग मिल्क, इन तीनों में से कोई भी आप लीजिए। क्लींजिंग बाम आता है, क्लींजिंग ऑयल आता है, ये सब चीजों में से कोई भी लीजिए और मेकअप को कॉटन से अच्छे से रिमूव कर लीजिए और इसके बाद आप फेस वॉश कर लीजिए। ये होता है डबल क्लींजिंग मेथड, समझ गए ना। इससे पूरा मेकअप एक बार में निकल जाता है, उसके बाद जो छूट जाते हैं, जिसके रेस्क्यू छूट जाते हैं कोई चीज के, तो वो फेस वॉश से निकल जाता है। डेली आपको सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपको आपकी चाहे ऑयली स्किन हो, चाहे ड्राई हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, आपको फेस क्लीन करना जरूरी है, यानी कि फेस वॉश या फेस क्लींजर यूज करना जरूरी है। अब वो कैसे पिक करें, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग फेस क्लींजर जो है वो पिक कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, एक्सट्रीमली ड्राई है तो आपको ऐसा फेस क्लींजर यूज करना चाहिए जो कि मॉइस्चराइज बेस्ड हो, हाइड्रेटेड, उसमें लिखा हो कि हाइड्रेटेड है और उसमें विटामिन वगैरह उसमें मिले हुए हों, उसमें इंग्रेडिएंट्स में आप चेक कर सकते हैं, जो कि हाइड्रेटेड हो वो आप इसके मतलब फेस वॉश यूज कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल, जितने भी फेस वॉश आते हैं मैट फिनिश वाले या मैट स्किन छोड़ने वाले या ऑयल कंट्रोल वाले होते हैं, वो जो है आप फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गई फेस क्लींजिंग की बात। क्लींजिंग के बाद आती है टोनिंग की। टोनिंग के लिए अल्कोहल फ्री टोनर जो है आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप गुडनेस का कोई भी टोनर ले सकते हैं, गुड वाइब्स का टोनर ले सकते हैं, ओरिफ्लेम जो यूज करते हैं ओरिफ्लेम अगर आपके पास अवेलेबल होता है, आसपास कोई भी उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे आप मंगा सकते हैं। ओरिफ्लेम के जो टोनर्स होते हैं वो बहुत बेस्ट टोनर्स होते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स के बॉटल में लिखे होते हैं और 100% इफेक्टिव होते हैं। मैंने काफी सारे टोनर यूज किए हैं, उसके बाद मैंने जब तुलना की है तो ओरिफ्लेम का सबसे बेस्ट होता है। तो ओरिफ्लेम का अगर आप टोनर यूज कर लेते हैं, इसके अलावा गुड वाइब्स है और आपका जो है कोई भी गुडनेस है, आप कोई भी ब्रांड का अच्छा टोनर यूज करें। टोनर अगर आप यूज डेली उसमें नहीं करना चाहते हैं, बेस्ट टोनर आपका रोज वाटर भी होता है, आप टोनर की जगह रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। जो स्प्रे फॉर्म में अगर होता है तो स्प्रे कर लीजिए, थोड़ी देर अपने आप उसको सूखने दीजिए, वरना हल्के हल्के डैबिंग मोशन में पैट कर लीजिए, जिससे कि स्किन उसको एब्जॉर्ब कर ले। टोनिंग के बाद आती है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजर से पहले आपको अपना सीरम लगा लेना है। आप फेस पे किस तरह का सीरम लगा सकते हैं, अगर आपको एक्ने है तो आप नाइसिनमाइड सीरम लगाएं, अगर आपकी स्किन डल है, ब्राइटनेस नहीं है, स्किन जो है काफ़ी रिपेयर की वाली स्थिति में हो गई है, डेड लेयर्स बिछी हुई है, वाइट हेड ब्लैक हेड्स भी है, तो आप जो है हाइलुरोनिक एसिड वाला स्किन केयर जो है मतलब सीरम यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगर आपके स्किन पे डलनेस है और विटामिन सी की कमी आपको लग रही है, यानी कि ड्राई पैचेस पड़ रहे हैं, जैसे सर्दियों में बहुत जगह के यहाँ पे हल्का सा सफ़ेद धब्बा है, यहाँ पे सफ़ेद धब्बा है, हल्की हल्की कहीं पे सफ़ेदी सी पड़ रही है, जैसे थोड़ा सा स्पॉट टाइप का ड्राई सा पड़ रहा है, तो आपको विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे सीरम के बाद आपको हल्के हाथों से सीरम से मालिश करनी है, जरा सा भी अपने फेस पे प्रेशर नहीं डालना है। अगर आप लोगों ने प्रेशर डाला तो वो स्किन थोड़ी सी हार्श फील करने लगती है, इसलिए हल्के हाथों से आपको मसाज कर लेनी है और जैसे ही कुछ देर रुक जाना है, जैसे ही वो एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आपको अपना मॉइस्चराइजर लेना है। अगर आप ऑयली स्किन के हैं और गर्मियों का मौसम है, दोनों चीजें ख्याल रखिएगा, तो ऑयल कंट्रोल या ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो रिच मॉइस्चराइजर यूज करिए, और सर्दियों का मौसम है तो भी रिच मॉइस्चराइजर, क्रीमी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं।
इसके बाद मॉइस्चराइजर के बाद आपका ये सीटीएम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसको फॉलो करना है सनस्क्रीन के साथ, यानी इसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाना है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्या करते हैं स्किन केयर पे, तो सबसे पहले हम क्लींजिंग करते हैं, उसके बाद हम टोनिंग करते हैं। टोनिंग हम टोनर से भी कर सकते हैं और आपका रोज वाटर से भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है सीरम करते हैं, यानी कि सीरम से हाइड्रेट करते हैं अपने स्किन को, और उसके बाद हम मॉइस्चराइजर करते हैं, और एंड में मॉइस्चराइजर के ऊपर हम अच्छे से सनस्क्रीन लगाते हैं। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, दिन के में 6 बजे तक अगर आप घर से निकल रहे हैं, 5 बजे 6 बजे तक, तो आप सनस्क्रीन जरूर यूज करेंगे। ये हो जाता है हमारा स्किन केयर रूटीन स्टेप बाय स्टेप। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बनर्जी मंत्रा से जो आ रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके #बनर्जी मंत्रा लिख दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा आप उस चैनल से इसमें आए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल।